अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी रेसिपी बताने जा रही हूँ, एक ड्रिंक बताने जा रही हूँ, जिसको आप पानी का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। और अगर किसी भी शुगर के मरीज़ को ये पानी पिला देते हैं तो 30 मिनट के बाद आप शुगर वाले मरीज़ का टेस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी रिपोर्ट आएगी कि डॉक्टर भी आपसे पूछेगा कि आपने मरीज़ को क्या दिया है, यानी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शुगर की मिकदार होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। और ऐसा छोटा सा ये नुस्खा आज से पहले आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरे बहनें हैं जो शुगर के मर्ज में मुब्तिला हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन तमाम भाइयों और बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके घर की परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग बड़े बड़े दूर तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, हज़ारों मीलों के हिसाब से सफ़र करके डॉक्टरों से मिलते हैं कि किसी तरह से हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर जैसी बीमारी से निजात मिल जाए, तो मैं उनसे आज यही कहना चाहूँगी कि आपने जितना पैसा लगाया है, जितने महंगे महंगे डॉक्टरों के पास गए हैं, वो तो आपका वक्त चला गया, लेकिन आज मेरे कहने पर आप लोग ये छोटा सा नुस्खा ट्राई करके देखें। यकीन करें कि मौत आ जाएगी लेकिन शुगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जिस्म में सिर्फ उतनी ही मिकदार रहेगी, उतनी ही शुगर रहेगी जितने जिस्म को ज़रूरत होगी। ये बीमारी हमारे जिस्म में बेशुमार बीमारियों की माँ है, जो उस वक्त पैदा होती है जब हमारे जिस्म में या तो इंसुलिन पैदा करने वाले या जहरा पैदा हो जाते हैं। यह हमारा जिस्म इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी खुराक में सही गिज़ा का इंतखाब करे। तो आज का ये छोटा सा एक पानी का नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि शुगर वाले मरीज़ अपने खाने में पहले से तैयार शुदा गोश्त और फास्ट फूड को कम करने की कोशिश करें। अपनी खुराक में दाल, सब्जियां, फलियां, अंडे और मछली वगैरह शामिल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ को बाकायदगी से वर्जिश करते रहना चाहिए। अगर रोज़ाना ना भी कर सकें तो एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर वर्जिश किया करें, क्योंकि एक्सरसाइज जिस्म के वज़न को बराबर रखने में मदद करता है और इंसुलिन की सतह को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर दिन में 5 गिलास पीते हैं तो 5 की बजाय 10 गिलास कर लें। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो जितना महंगा आप इलाज करा लें वो सारा का सारा ज़ाया ही होगा। तो आज जो मैं आपको छोटा सा आज ड्रिंक का नुस्खा बताने जा रही हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने नोट फरमाना है। बड़ी मुश्किल से ये आज शुगर के हवाले से नुस्खा लेकर आई हूँ, ताकि मेरे जितने भी भाई मेरी बहनें शुगर की वजह से परेशान हैं, शुगर पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप देखेंगे कि ये नुस्खा सिर्फ इस्तेमाल करने की देर होगी कि आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। 2 गिलास पानी एक बर्तन में आप लोगों ने डाल लेना है। 2 गिलास पानी लेना है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी का जो लेवल होता है उसको सही तरीके से नहीं मापते, यानी अगर मैंने 2 गिलास का कहा है तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने तजुर्बे करें, वो 1 गिलास डाल लें या 1.5 डाल लें। बड़े तवज्जो से सुने कि 2 गिलास पानी के लेने हैं, एक बर्तन में डाल लें। अब क्या करें कि उस बर्तन में 1 चम्मच मेथी दाना आप लोगों ने डाल लेना है। मेथी दाना हमारे किचन में पाए जाने वाली आम सी जड़ी बूटी होती है। इसमें फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, जो आपको शुगर में बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होती है। 1 चम्मच मेथी दाने का आप लोगों ने उस पानी में डाल लेना है। उसके बाद अदरक के बारे में आपने सुना होगा, हर घर में मौजूद होता है। जब भी आप खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो उसमें अदरक का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अदरक आप लोगों ने 1 इंच का टुकड़ा लेना है, यानी छोटा सा टुकड़ा लेना है, और उस टुकड़े का आपने पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को पानी में डाल देना है जिसमें आपने मेथी दाना
डाला है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, फिर उसी पानी के अंदर आपने कड़ी पत्ता डालना है, जिसको हम कड़ी लीव्स बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। खुश्क कड़ी पत्ता नहीं डालना, हरा पत्ता, ताज़ा पत्ता आपको अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कड़ी पत्ते को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे हासिल होने वाला सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इससे ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इक्वल हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक चुटकी उसमें आपने दालचीनी की डाल देनी है। दालचीनी भी आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल होगी। इसमें आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। दालचीनी जो होती है ब्लड शुगर की सतह को कम करती है और खाने के बाद खून में दाखिल होने वाले ग्लूकोज की मिकदार को दालचीनी कम कर देती है। दालचीनी भी आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। अब आप बड़े तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 2 गिलास पानी आपने लेना है, एक बर्तन में डालना है, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, उसके बाद 10 से 15 पत्ते आप लोगों ने कड़ी पत्ते के डालने हैं, जिसको हम कड़ी लीव्स या मीठा नीम भी बोलते हैं। 10 से 15 पत्ते उसके डाल लें, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें और एक चुटकी दालचीनी की आपने डाल देनी है। अब पानी को उबालना शुरू करें, जब तक आधा ना रह जाए तब तक उसको उबालते रहें। यानी अगर आपने 2 गिलास पानी डाला है तो जब 1 गिलास रह जाए तो उस पानी को आप लोग अच्छी तरह से छान लें और सुबह खाली पेट शुगर वाले मरीज को वो पानी पिला दें। अगर वो ज़्यादा ना पी सकें तो आधा गिलास दे दें और कोशिश करें जो मेरी बहनें प्रेगनेंसी की हालत में हैं वो इस पानी को अभी इस्तेमाल ना करें। बाकी उसके अलावा सब लोग, जो भी भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहती हैं, महंगे महंगे इलाजों से बचना चाहती हैं, तो सुबह के वक्त आप लोगों ने ये जो ड्रिंक आपको बताई है 1 कप ले लें, आधा ग्लास ले लें, अगर पूरा पी सकते हैं तो पूरा ले लें, वो आप लोगों ने पी लेना है। सुबह के वक्त इसलिए बताया है क्योंकि सुबह का वक्त जो शुगर के मरीजों का ब्लड प्रेशर लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। यकीन करें, अगर आप सुबह के वक्त पीकर या फिर किसी शुगर वाले मरीज को पिलाकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर खुद आपकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाएगा कि आखिर आपने मरीज को क्या ऐसा दिया है जो उसकी शुगर नॉर्मल हो गई है। और जैसे जैसे आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते जाएंगे 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक, तो समझ लें आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। ये छोटी सी वीडियो आपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।